भी कर लिए बीच में दोनों। कहाँ है वो तो हम देखते आए, वहीं से आए हम। हम पहुंचे अयोध्या में श्री हनुमान गढ़ी मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की दुकानों को एक जैसा बना दिया गया है। हमने 2 महीने पहले भी आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी, जब यहाँ से मंदिर और पुराने जो दुकानें हैं और मकान हैं वो हटवाए जा रहे थे। अब यहाँ पर सारा का सारा बाजार पूरी तरह से भगवान श्री राम में हो चुका है और सभी दुकानों को बाजारों को एक जैसा रूप दिया गया है। ये हमारे सामने है हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ से आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। यहाँ भगवान श्री राम जी जब वैकुंठ लौट गए थे तब उन्होंने हनुमान जी को यहाँ का पहरेदार बना दिया था और तब से हनुमान जी यहाँ बतौर शासक यहाँ विराजमान है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाता है, उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करता है। आप देख सकते हैं ये रास्ता श्री हनुमान श्री राम जन्मभूमि स्थल की तरफ जाता है और ये हनुमानगढ़ी मंदिर का रास्ता है। और यहाँ ये मुख्य इधर से जो है मुख्य मार्ग है जहाँ से वाहनों की और लोगों की एंट्री दी गई है। अभी हम हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर जाएंगे जहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और ये अयोध्या में आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के में उमड़ी भीड़ जो है, धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर विशेष रूप से लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा दृश्य हनुमानगढ़ी अयोध्या के बाहर का है, जहाँ भारी संख्या में अभी से श्रद्धालु मुड़े हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की पुराण प्रतिष्ठा हो जाएगी 19 दिसंबर से और 23 दिसंबर तक अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और यहाँ आने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ ही बाहर से कोई एंट्री नहीं होगी और 23 जनवरी के बाद ही आम जनता के लिए इसको खोला जाएगा। हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। जो कैथल खबर की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँच सके। हम आपको जहाँ तक अंदर अनुमति होगी वहाँ तक यह भगवान हनुमानगढ़ मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारियों ने 25 पीढ़ियों से हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारियों ने जो है 25 पीढ़ियों से हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारियों ने जो है पैरों में जूते नहीं डाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो है श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुँचे हैं और मंदिर के पुजारी के बारे में पता चला है कि 500 साल पहले जब यहाँ भगवान श्री राम जी का मंदिर को लेकर अतिक्रमण हुआ था, उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारियों ने एक संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर नहीं बन जाता तब तक हम जो है पाँव में चप्पल या जूते या खड़ाऊ नहीं डालेंगे। आज भी यह परंपरा